अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको अपने YouTube चैनल स्वीट एंड सेवीज बाय शेफ सुमेरा पे। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बन रही है। बहुत अरसे से मैं लाइन अप इसको की हुई थी, बट समहाउ नहीं हो पा रही थी। आज हमने सोचा आज इसको बना दिया जाए। बहुत लोगों का फेवरेट होता है पॉट पाई, बट हम अपने पॉट पाई में दो वेरिएशन करेंगे, इनफैक्ट तीन करेंगे। सबसे पहला ये कि हम इसको क्रूसिबल किचन के कास्ट आयरन के स्किलेट में बनाएंगे। हम सबको पता है क्रूसिबल किचन के स्किलेट्स अब यहाँ पर पाकिस्तान में बन रहे हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। इजी टू क्लीन, इजी टू यूज़, अमेजिंग, ठीक है। फर्स्ट वेरिएशन। सेकेंड वेरिएशन ये है तंदूरी चिकन पॉट पाई। इसमें तंदूरी क्या इफेक्ट आएगा, बारबेक्यू होगा, क्या होगा, वो हम आपको अभी बताएंगे। थर्ड वेरिएशन, ये मैंने एक शो किया था मसाला मॉर्निंग्स पे हम टीवी पर। उसके बाद ये शो की बहुत ज़्यादा हाइप हुई थी, सबको इतना पसंद आया था, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस पॉट पाई को थोड़ा इजी वर्जन करके बनाऊं, बजाय कि हम पफ पेस्ट्री से इसको बनाएं, हम इसको बनाएंगे बेकरी के पफ बिस्किट से। है ना ज़बरदस्ती रेसिपी। चले आपको बताते हैं किस तरह बनेगा। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर ये पफ बिस्किट। बजाय कि हम पफ पेस्ट्री के, हम अपने पॉट पाई को, तंदूरी पॉट पाई को बना के ऊपर ही अरेंज करेंगे। है ना ज़बरदस्त आइडिया। अच्छा, बटर, फ्रोज़न वेजीज, मैंने फ्रोज़न वेजीज लिए हैं, आप घर में भी ले सकते हैं ब्लांच करके। मेरे पास पीज है, कैरेट्स है, स्वीट कॉर्न है, और यहाँ पर हमने तीन से चार मशरूम स्लाइस किए। अब तंदूरी क्या है? तंदूरी ये है कि हमने चिकन को तंदूरी मसाले के साथ बॉईल किया है। चले हम चलते हैं अपनी स्टोव की तरफ और फिर आपको बताते हैं। जी, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक चिकन का ब्रेस्ट लिया है, उसको एक से डेढ़ कप पानी के साथ, एक टेबलस्पून तंदूरी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तंदूरी मसाले के साथ इसको हमने बॉईल करने रख दिया है। ये जैसे ही बॉईल हो जाएगा हम इसको श्रेड कर लेंगे, और जो हमारा स्टॉक है इसमें ऑब्वियसली तंदूरी मसाला है, तो वो हम यूज़ करेंगे अपने पॉट पाई के मिक्सचर के लिए, दूध के साथ जो हम रेगुलर स्टॉक यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है बटर, हम बनाएंगे अपनी पॉट पाई, तंदूरी पॉट पाई की सॉस। 2 ounces ऑफ बटर, 2 tablespoon बटर, इसमें जाएंगी सीजनिंग्स। सीजनिंग्स में मेरे पास है मस्टर्ड पाउडर, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, 1 teaspoon, सॉल्ट 1/2 teaspoon, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 teaspoon, चिकन पाउडर 1 teaspoon, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 teaspoon भर कर, इसका तंदूरी है ना, इसका मसाला बहुत मज़े का लगता है, 1 teaspoon भर कर मसालों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, चूल्हा थोड़ा सा हल्का करेंगे, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे फ्लावर, मैदा। मैदा मेरे पास यहाँ पर है 3 tablespoon। मैदे को मसाले में अच्छे से फ्राई करके फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 कप दूध, और ये जो हमारा स्टॉक है चिकन को जो हमने बॉईल किया, चिकन भी तकरीबन हो गई है, इसको मैंने 15-20 मिनट पहले रख दिया था बॉईल करने के लिए। चिकन हो गई है, इसको अब हम निकाल के और श्रेड करेंगे। 1 से 1.5 कप दूध, दूध डालते ही हम इसको मिक्स करेंगे सो दैट कोई भी लम्प्स फॉर्म ना हो, स्मूथ सॉस बिल्कुल बननी चाहिए, वेरी स्मूथ। आप लोग कहते हो ना माई वाइट सॉस स्मूथ नहीं बनती, आज मैंने चूल्हे पे, यूजुअली मैं आपको बताती हूँ चूल्हे से उतार के, आज देखिए मैंने चूल्हे पे रख के ही बना ली। अब ये स्टॉक इसमें जाएगा हमारा चिकन का, तंदूरी चिकन वाला 1 से 1.5 कप। अब इसको हम इतना कुक करेंगे कि ये हमारी सॉस थिक हो जाए। जैसे ही हमारी सॉस थिक होगी फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने फ्रोज़न वेजीज 2 कप, ठीक है, ये मेरे फ्रोज़न वेजीज हैं, और इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 मशरूम्स स्लाइस किए हुए, ऑरिगैनो लीव्स मैं अभी डाल रही हूँ,
1 टीस्पून। आखिर में सब्जी जाएगी, क्रीम जाएगी 4 टेबलस्पून और श्रेड की हुई चिकन जाएगी। ये हमारा तंदूरी पॉट पाई का मिक्सचर हो गया रेडी। देखें माशाल्लाह हमारी सॉस स्मूथ परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे वेजीज और मशरूम्स, साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी क्रीम। अच्छा, मैं इसमें तंदूरी में मैं चीज़ नहीं डालती, जो मेरा रेगुलर पॉट पाई होता है उसमें लाजमी चीज़ जाती है, इसमें चीज़ नहीं जाती। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी हमारी श्रेडेड तंदूरी चिकन और फिर हम इसको असेंबल करेंगे अपने क्रूसिबल किचन के स्किलेट में और ज़बरदस्त सा आपको इंडिविजुअल सर्विंग भी बताएंगे। आपको अगर घर में इंडिविजुअल सर्विंग्स पे सबके लिए बनाना है, उसी प्लेटर में आप एक एक स्लाइस, दो दो स्लाइस गार्लिक ब्रेड का रख कर एंड देन सर्व कर सकते हैं। अब इसमें हमारी श्रेडेड चिकन जा रही है, बिल्कुल फाइनली श्रेडेड है ना, ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इतनी ये कोई मज़े की बनती है, ये मैं आपको कह रही थी कि इंडिविजुअल अगर आप चाहें घर में 5-6 लोग हैं तो इतना प्यारा लगेगा। कभी कोई क्लोज फ्रेंड्स आ रहे हैं उनके लिए साथ में इसमें आपने 2 पीस गार्लिक ब्रेड के रख के सर्व कर दिया। ये हमारा ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार है। अब हम इसको अपने क्रूसिबल किचन के बेहतरीन कास्ट आयरन के स्किलेट में डालेंगे। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से ये दोनों में आ गया है, ये ठंडा होके और थिक होता है। ठीक है, अभी तो इसका ये बेक होगा। बेक करने का इसका तरीका ये है कि उस पर हम फॉइल लगा के बेक करेंगे सो दैट हमारे बिस्किट्स जो हैं वो जल ना जाए। बेकिंग टाइम इसका है 12 से 15 मिनट। हर चीज़ इसमें रेडी है, इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का कि ये रेसिपी जो जिन्होंने पहली बार देखी है उनको कैसी लगी। जिन्होंने मसाला टीवी पे मुझसे सीख ली थी उन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा इस रेसिपी को अप्रिशिएट किया था। पफ बिस्किट्स भी, बाकरखानी भी जिसको कहते हैं, बहुत साइजेस में मिलती है, बहुत शेप्स में मिलती है, तो जो आपके पास आपके एरिया में अवेलेबल है आप उस तरह से उसको लगा सकते हैं। इस पे अब हम फॉइल लगाएंगे और इसको हम बेक करेंगे जब तक कि ये अच्छे से बेक हो जाए, फिर इस पे फ्रेश धनिया या फ्रेश पार्सली लगा के और बेक करें। जी जनाब, कैसा लगा आपको हमारा वेरिएशन पॉट पाई में, ज़बरदस्त सा तंदूरी चिकन पॉट पाई। 3 वेरिएशंस हमने इसमें किए हैं, आपको बता दिए, और माशाल्लाह देखें ये बेक होने के बाद मज़ीद हमारे पफ बिस्किट कितने खूबसूरत हो गए। इंडिविजुअली भी आपको सर्व करके बता दिया और वैसे भी। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पे इस रेसिपी पे मुझे फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।